नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से आपको बताएंगे कि डी मोडूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मोडुलेटेड सिग्नल क्या होता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन की जो जनरेशन मेथड्स थे जिसमें हमने स्विचिंग मॉडूलेटर स्टडी किया और स्क्वेयर ला डायोड मॉडूलेटर स्टडी किया वो इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं तो सिग्नल को जनरेट कैसे किया जाता है ए एम सिग्नल को वो पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे कि उन सिग्नल से डी कैसे किया जाता है तो डी मोडुलेशन को समझने के लिए आप ये बेसिक समझिए हमें पता है कि एम्पलीट्यूड मोडुलेटेड सिग्नल बनाने के लिए एक हमारे पास मोडूलेटिंग सिग्नल है जिसको मैं बैंड सिग्नल या मैं से सिग्नल भी कह सकता हूँ दूसरा सिग्नल आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको मैं करियर सिग्नल कहता हूँ ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज हो जाते हैं फाइनली इनका सुप्रीम पोजिशन सिग्नल जो है वो एम्पलीट्यूड मोडूलेटेड सिग्नल कहलाता है ये जो एम्पलीट्यूड मोडूलेट सिग्नल है ये ट्रांसमिटिंग एंड का फाइनल सिग्नल है इस सिग्नल को किसी एंटीना की हेल्प से हम स्पेस में एयर मीडियम में रेडिएट कर देते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद वही सारे सिग्नल एक रिसीविंग एंड पे रिसीव कर लिए जाते हैं सिग्नल कौन से रिसीव हुए जो सिग्नल रेडिएट होंगे तो ए एम सिग्नल हमें रिसीव हुए फाइनली इन सिग्नल से अगर मैं अपना मोडूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल वापिस लेना चाहूँ तो इस प्रोसेस को कहते हैं डी यानी रिसीविंग एंड पे जो हमें रिसीव हुआ वो एम्पलीट्यूड मोडुलेटेड सिग्नल था उस सिग्नल से मैं फिर से अपने ओरिजिनल मोडुलेटिंग सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो उसे डी मोडुलेशन कहते हैं तो जो डी मोडुलेशन है डी मोडुलेशन इज एज पर द डेफिनेशन इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द एम सिग्नल ठीक है अब कि इसको आप डी मोडुलेशन कहें या डिटेक्शन कहें डिटेक्ट कर लेना अपने वापस मोडूलेटिंग सिग्नल को डिटेक्ट कर लेना तो इसको मैं डिटेक्टर भी कह सकता हूँ तो जो डी मोडुलेशन है ये आमतौर पे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है या किसी भी वाइवा या इंटरव्यू जॉब्स के लिए पूछ लिया जाता है डी मोडुलेशन कहाँ होता है तो बच्चों डी मोडुलेशन आप याद रखना ये हमेशा कहाँ होता है रिसीवर्स पे और अगर कोई बोले कि मोडुलेशन कहाँ होता है तो मोडुलेशन हमेशा होता है ट्रांसमीटर्स पे ठीक है अब फाइनली हमारे सिलेबस में डी मोडुलेशन के कितने मेथड्स हैं तो डीमोडुलेशन के बच्चों दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं एक है आपका स्केयर ला डी और दूसरा है आपका एनोवलप डिटेक्टर या एनवलप डी मोडुलेशन या डी मोडुलेटर्स अब पॉइंट ये है कि दो अलग अलग मेथड्स क्यों हैं एक ही मेथड ऐसा क्यों नहीं है जिससे हम अपने ओरिजिनल मोडूलेटिंग सिग्नल्स को डी कर सकें या रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें इसका रीज़न क्या है स्केयर ला डी में हमेशा क्या होगा हम इसमें क्या करेंगे नॉन लीनियर डिवाइस का यूज़ करेंगे यूज़ नॉन लीनियर डिवाइस आपको ये रटना नहीं है क्योंकि मैं पहले बता दूं जहां एक वर्ड स्क्वेयर लगा हो तो स्क्वेयर अगर कोई रिलेशनशिप्स में है तो वो डेफिनेटली लीनियर नहीं हो सकता ठीक है लीनियर आपका एक स्ट्रेट लाइन दिखती है और वहाँ स्क्यर टर्म्स नहीं होती जैसे y इक्वल टू एम एक्स यहाँ स्क्वेयर नहीं है तो इससे बनने वाली लाइन लीनियर होगी बट अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्र तो ये डेफिनेटली लीनियर नहीं होगा तो जहाँ स्क्वेयर मेंशन है वहाँ नॉन लीनियर डिवाइस ही यूज होंगी और इन डिवाइसेस में अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए क्या यूज़ करोगे तो हम डायोड यूज करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन लीनियर डिवाइस का हम यूज करते हैं दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो टेक्निक है हमारी दिस टेक्निक इज यूज इन लो लेवल ए एम अब ये लो लेवल ए एम क्या है ए एम में आपके क्या हैं दो सिग्नल हैं पहला कौन सा मोडुलेटिंग दूसरा कौन सा करियर सिग्नल दोनों सिग्नल्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो बहुत कम होगा मैग्नीट्यूड आपका स्मॉल होगा ठीक है अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड स्मॉल हैं तो वो लो लेवल ए एम की कैटेगरी में आता है और अगर आपका लो लेवल ए एम है तो उसको डीमोडुलेट करने के लिए स्कर् डी मोडुलेटर्स का यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये कहा यूज होगा इट इज यूज इन स्मॉल मोडुलेशन इंडेक्स स्मॉल मोडोलेशन इंडेक्स मोडूलेशन इंडेक्स आपका छोटा होना चाहिए तो वैसे तो मोडूलेशन इंडेक्स वन से कम ही होता है लेकिन वन से कम कितना पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन तो वन से काफ़ी कम वहाँ पे हमारा ये स्क्वेयरला डी मोडूलेटर्स बहुत यूजफुल है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें हमारा जो करियर सिग्नल है वो स्मॉल होता है ओबियसली स्मॉल करियर सिग्नल होगा अगर आप अच्छे से मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो जब मैंने कहा था कि लो लेवल ए एम है तो डेफिनेटली यहाँ करियर सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड कम होता है और मोडुलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी कम होता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि इन दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड कम होता है देखो मॉडूलेशन इंडेक्स क्या होगा बच्चों मोडूलेशन इंडेक्स होता है सर मोडूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई करियर सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और हमें पता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा वन से कम होना चाहिए तो हर हाल में वी सी यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करियर वेव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो ये तो हर हाल में ही मेंटेन होगा बट लो लेवल का मतलब ये है या स्मॉल करियर सिग्नल्स का मतलब ये है कि वी सी भी आपका इतना ज़्यादा नहीं है ठीक है तो ये हैं आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसके लिए हम स्क्वेयर ला डी मोडुलेटर्स का यूज करते हैं अब हम डिस्कस करेंगे एनोवल अप डिटेक्टर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि इसमें जो आपका करियर सिग्नल है यूज फॉर लार्ज करियर सिग्नल्स यानी करियर सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू मोडुलेटिंग सिग्नल के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से तो लार्ज करियर सिग्नल ठीक है दूसरा अगर हमारा करियर सिग्नल काफी बड़ा है तो इवेंचुअली आपका जो मोडुलेशन इंडेक्स है वो बहुत छोटा होगा क्यों क्योंकि मोडुलेशन इंडेक्स और करियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड में तो इनवर्स रिलेशन है तो इसका मतलब दिस इज यूज फॉर स्मॉल मोडुलट मॉडुलेशन इंडेक्स तो मैंने एम में लिख दिया यहां पे ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एनोवलप डिटेक्शन है वो मोस्ट कॉमन टेक्निक है मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल टेक्निक सबसे ज्यादा टेक्निक इस यूज की जाती है और आपको मैं बता दूं आने वाले वीडियोस में एनवलप डिटेक्टर और स्केरला डी को बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाहे आपका गेट एग्ज़ाम हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पिछले पाँच साल के पेपर उठा लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन नाइन्टी पेपर में जरूर आता है तो इस वीडियो में आपको सिर्फ़ बताना था कि डी मोडुलेशन होता क्या है और डी मोडुलेशन के मेथड्स क्या हैं उन मेथड्स के की पॉइंट्स क्या हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में स्क्वेयर ला डी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे दिस इज एंड ऑफ़ वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो